करके जरूर जाएंगे, ये हमारी सोच है। डॉक्टर साहब आपके बीच में, डॉक्टर किरण लाल जी मीणा आपके बीच में पधार चुके हैं, आप सब सामने को मिले हैं, हो चुके हैं। मैं सोचो तो बैठने वाले जो अपने सोचो में जगह आपको खाली करनी पड़ेगी, अपने कमेटी के मंत्रियों का निवेदन करता हूँ कि आप सोचो में से थोड़ा जगह खाली करें। आप बैठ जाओ।
अभी लोकसभा के चुनाव में खड़े हो जाओ, खड़े जाओ, बैठने में एक घंटा लग जाएगा। ए बाबा खड़े हो जाओ, ये सवाई माधोपुर को बैठ के देखते हैं, खड़े हो जाओ। बड़ा खुशी की बात है, ए भाई ये ढोलक बजाने वाले को चुप कर रहे, ये बहनों का, माता बहनों का एक अद्भुत संगम, हर वर्ष ये मेला लगता है, और इस मेले में वो तुम चुप रह जाओ, बैठने वाले हल्ला कर रखा है, बैठ जाओ भाई। कभी कभी मेरे को भी आने का मौका मिल जाता है, गत साल भी मैं आने वाला था, लेकिन मेरे से पहले गहलोत साहब आ गए। आज मैंने जल्दबाजी की तो मैं पायलट साहब से पहले आ गया, कोई झगड़ा नहीं हमारा, पर मैं 5 साल तक गहलोत साहब के खिलाफ सड़कों पर लड़ता रहा, तो थोड़ा आपस में आंख मिलाने में दिक्कत आती है, तो मेरे को महाराज ने टोका कि आपको न्योता दिया था, आप आए नहीं। और अभी 10 दिन पहले इंदिरा जी का फोन गया था मेरे पास कि मैं आपको न्योता देने के लिए आऊंगी, मेरे को आज तक न्योता देने के लिए नहीं पहुंची, तो मैं तो बिना न्योते ही आ गया। मैंने अभी इंदिरा जी को फोन किया था, इंदिरा जी कहा हूं, जहां है वहां है, रहना भी चाहिए, उनके नेता आ रहे हैं। तो ये एक तरह से भक्तों का मेला, और मैं बहुत पहले से इस स्थान पर आ रहा हूं, जब बड़े महाराज थे तब एक दो बार तो रात में मुझे को यहां रुकने का मौका मिला। जो बगल में वो तलाई थी वो बहुत छोटी थी, उसमें कुछ काम तो ज्यादातर भक्तों ने कराया, पर कुछ मैंने भी कराया। और अभी स्थान बहुत बड़ा विशाल बन चुका है, मैं छोटे बाला जी, शिवानंद जी, नित्यानंद, हाँ बड़े बड़े शिवानंद जी थे, ये नित्यानंद जी हैं, इनकी अगुवाई में इस स्थान का बहुत बड़ा विकास हो रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे टोंक में जोधपुर का स्थान है, वैसा ये स्थान बनने के लिए जा रहा है। आप सब महाराज को साथ देते हैं, गुरु महाराज को इसमें सहयोग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि संत तो फक्कड़ होता है, उनके पास पैसा कहां से आए, लक्ष्मी कहां से आए, धन कहां से आए, जब अपार जन सहयोग मिलता है तो बड़ा सा बड़ा कार्यक्रम सफल हो जाता है। अब अपार जन समूह 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। अब यहां तो बाबा ने क्या तय किया मेरे को पता नहीं, लेकिन बालाजी के महंत ने मेरे को बुलाया है, वो 18 तारीख को 4 लाख किलो
लड्डू देसी घी के अयोध्या को रवाना करेंगे, तो आप जाओगे तो वहां भी देसी घी का लड्डू आपको खाने का मिलेगा, और यहाँ भी माल देसी घी का ही होगा, प्योर देसी। हाँ, मिश्री मावा भी बनता है, जोरदार चटकाने से खाओगे आप। ये भाईचारा, ये प्रेम भाव, ये भक्ति का भाव, और ये नहीं कि एक ही जाति आती है, सभी जाति धर्म के 36 कौन से लोग इस आश्रम पे आते हैं, और ये विशाल भंडारे में अपने आप को सम्मिलित करते हैं। तो मैं भी यहाँ का एक छोटा सा भक्त हूं, मैं इस आश्रम पर जो भी जिस किसी प्रकार का गुरु जी महाराज मेरे को कहेंगे वो सहयोग देने के लिए तैयार मिलूंगा। आप मैं भी अब कुछ दिनों बाद बाबा जी बनने वाला हूँ, मेरे को पूरे राजस्थान में बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन इस बाबा में नित्यानंद में केवड़ी लाल में फर्क है। मेरे पास गोल में है ये ब्रह्मचारी, तो मैंने भी मेरा आश्रम बनाना चालू कर दिया है। 5-6 साल से आश्रम का काम चल रहा है। मेरा आश्रम किस किसने देखा है, जरा हाथ खड़ा करो। ये महिलाओं ने नहीं देखा। अभी वहां पर 47 फुट ऊंची महादेव की मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं, जिसमें 24 घंटे गंगा जल का प्रवाह होगा, महादेव जी की जटा होगा, और वह विशाल मीन भगवान का मंदिर, बाकी देवी देवता जो सनातन परंपराएं जो हिंदू मानते हैं उनकी स्थापना हम करने के लिए जा रहे हैं। 1-2 साल में जब वो पूरा हो जाएगा, जब मैं भी राजस्थान भर के भक्तों को बुलाऊंगा, और उस दिन मैं भी बाबा का तिलक लगा के कपड़े पहन के मैं भी बाबा जी बन जाऊंगा, क्योंकि अब ज्यादा राजनीति में पूरा समय दे दिया, 72 साल का हो गया। ये तो अच्छा हो समाज मधुपुर वालों का, उन्होंने मेरी राज रख दी, तेरा पग पकड़ो रे माधोपुर राखो राज करोड़ी को राखो राज बुढ़ापा। ये सवाई माधोपुर के लोगों ने जवानी में भी मेरी लाज रखी। जब मैं 89 में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आया था तो सबसे ज्यादा वोटों से, इतने वोटों से कि देश में उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उतने वोटों से जीत के ही गया जितने वोटों से जीता गया सवाई माधोपुर की जनता ने मेरे को भेजा। तो मैं आपके एहसान नहीं भूल सकता। और जब मैं बामनवास से लड़ा तो 2 ध्रुव 1 हो गए, पुराने लोगों को पता है, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी मेरी डूबती हुई नैया बौली और बामनवास की जनता ने पार किया, इसलिए मैं बौली का भी कर्जा नहीं भूल सकता, मैं बामनवास का भूल सकता, मैं सवाई माधोपुर का भूल सकता, मैं पूर्वी राजस्थान राजस्थान के भाइयों को भूल सकता। अब मैं किसान मंत्री, अभी मैं देखता रहा था वहां जो सब्जी उगाई जा रही है वो हमारा विभाग ही हुआ था, तो ज्यादातर आप किसान हैं। मैं गांव में कैंप लगवाऊंगा, भारत सरकार और राजस्थान की सरकार की कौन कौन सी लाभकारी योजनाएं किसानों की हैं
उनकी जानकारी आकर मेरे अधिकारी देंगे और मैं भी कैंप में आऊंगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिलना चाहिए, ये मेरे विभाग का जिम्मेदारी है। मैं गांव का हूं तो गांव का काम भी मेरे को समझा दिया मुख्यमंत्री जी ने, किसान का काम भी मेरे को समझा दिया और कोई दुख दर्द पीड़ा में हो तो उसकी जन सुनवाई भी मैं करूंगा। हालांकि आप लोगों को तसल्ली नहीं है, तुम खुश नहीं हो, लेकिन मैं काम करके खुश कर दूंगा आपको, लाख में से भी सोना निकाल के आपको बीच में बांटूंगा, इस बात का भरोसा करूंगा। और ऐसा नहीं है, देखो वोट जब हम मांगते हैं तो घर घर दर्शन देते हैं, राम राम साहब वोट देना, जो कोई कहता है ये काम करा देना, ये भी करा देना और वो भी करा देना। सवाई माधोपुर के गांव में दो रनवे मिल गए, वो कहना मैं हमारी शादी करा देगा, तो मैं करा दूंगा, कराऊंगा उनको, है वो 44 साल का 38 साल का, लेकिन वादा किया तो पूरा करूँ, तो मैं जो वादा करता हूँ कोशिश करता हूँ वो पूरा हो। मैं आपके बीच में आऊंगा, वोट मांगने के लिए हम जनता के घर घर जाते हैं। मैंने ये तय किया है कि मैं राजस्थान की जनता के घर घर जाके मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम रखूंगा और जनता के घर घर जाके जनता का काम करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे को कतई पराया नहीं माने, मैं आपका पुराना साथी हूं, आपने चुनाव में सदा साथ दिया और इस धार्मिक स्थल को विकसित करने का जिस किसी भी प्रकार का सहयोग मेरे को देना, गुरु महाराज कहेंगे, प्रबंधन कमेटी कहेगी, आप कहोगे, उन्हें पूरा सहयोग देना और उसको अच्छा विकसित करने में मैं कंधा से कंधा मिलाकर आप साथ आपके साथ रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धर्म प्रेमियों का मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम राम। हेलो हेलो, मैं आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीना साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो महाराज जी के पास में आए और एक महाराज जी की अर्जी है, वो अर्जी को आप स्वीकार करें या एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने के लिए महाराज जी का एक प्रार्थना पत्र उसको स्वीकार करें और एग्रीकल्चर खोलने की कृपा करें, क्योंकि ये एरिया पूरा है, वो किसानों का एरिया है, इसलिए भाई 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 बैठ बैठ जाओ यार, मैं चलना जानता हूँ। अरे तू खाकी है, खाकी बटी है जानो, ये एग्रीकल्चर कॉलेज की कह रहे हैं, क्या है एग्रीकल्चर कॉलेज खुलवा दे, ये तो बाबा हाई नहीं कर रही, ए महाराज महाराज ये तो मना कर रही है एग्रीकल्चर कॉलेज की, तो रहने काम की बात पहले कॉलेज की बात, ये बताओ तुम तो सब आस पास करो, एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए 100 बीघा जमीन चाहिए कि वो है ना, मेरी बात सुनो, है है, मैं पहले बता देता हूँ, 100 बीघा जमीन चाहिएगी और उसको आगे विकसित करने के लिए और जमीन की भी जरूरत पड़ सकती है, मिल जाएगी, कहाँ पे मौजूद है यही, तू तो सरस्वती वाला कह रहा है, यही कह रहा मैं, यही या 100 कहा है, ये तो 25 बीघा है, मैं रोड से लेकर यहाँ पे है, पीछे भी है, देखो समय लग सकता है क्योंकि गहलोत साहब खजाने को खाली कर गए, लेकिन मैं इस स्थान पर आया हूँ तो महाराज आदेश दे रहे, भक्त भक्तों की मांग है,
यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज जहाँ भी 100 बीघा जमीन मिलेगी वहाँ करा दिया जाएगा। बाउंड्री वॉल की होती है, बाउंड्री वॉल वैसे नरेगा से, नरेगा से बोल के नरेगा से है वो आपके लिए नरेगा से। अरे बाउंड्री वॉल नरेगा से लड़ाई की। हेलो हेलो, देखिए दोनों पत्र हैं, डॉक्टर साहब के पास पहुंचा दो, वो दे दिए उधर लेके डॉक्टर साहब के पास दोनों। यहाँ ऐसा नहीं है, बाउंड्री वॉल अलग है, अमृत सरोवर बनाया है उसकी चार दीवारी का मामला है, वो अलग लेटर है और कॉलेज का लेटर अलग है, जो ट्रस्ट के दोनों खर्च के उस पे है। अब सपोर्टर से अपने विधायक साहब श्री हंसराज जी बालोती आपके बीच में पधार चुके हैं। अब मैं विधायक साहब